हाई अरेवन सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कोडिंग इंटरव्यू सीरीज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाग्राम सो गिवन ए टू स्थिंग ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स द टास्क इज टू चेक वेदर टू गिवन स्थिंगनाग्राम ऑफ इच अदर ओर नोट सो मतलब क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन भी करें कि एनाग्राम क्या होता है और बस हमें क्या करना है कि बस हमें दो स्टिंग दे रखे ए और बी और हमें यह रिटर्न करना है कि एक दूसरे की एनाग्राम है या नहीं ठीक है तो हम इसको समझते हैं जैसे लेट्स से कि एक कैट और दूसरी है टैग तो एनाग्राम क्या होता है कि मतलब कैट को हम कैसे भी रीअरेंज करें कि वो टैग बन जाए मतलब नंबर जो कैरेक्टर है ना वो कैरेक्टर सेम होने चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए लेट्स से कि जैसे इसमें सी ए टी है इसमें भी सी ए टी है राइट सी इसमें सी है सी है ए है ए है और टी है टी है राइट अगर यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा करेक्टर होता है एक एक्स्ट्रा सी भी होता तो भी एनाग्राम नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है कैरेक्टर कर, तो सारे सेम है पर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और कैरेक्टर भी सारे सेम होनी चाहिए ठीक है तो बस वही है कि तो हमें बस ये रिटर्न करना है कि एनाग्राम है या नहीं ये सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है यस और नो में रिटर्न करना है ट्रू हो या फॉल्स तो कैसे मतलब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है एक तरीका है कि ए को सॉर्ट कर लो बी को सॉर्ट कर लो तो ए को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा ए सी टी बी को शॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा ए सी टी राइट क्योंकि शॉर्ट करेंगे तब तो यही बनेगा तो और फिर हम दोनों को कंपेयर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे ठीक है पर शॉर्टिंग करने की कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है कैन लोग एन हो जाती है और मतलब हम इसको और भी वाइज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं राइट तो हम क्या कर सकते हैं हम एक मैप बना सकते हैं और मैप में क्या कर लेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिनोट कर लेंगे राइट कि जैसे ए वाली स्ट्रिंग है तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टर सी तो सी की फ्रीक्वेंसी क्या है वन फिर ए की क्या है वन और टी की क्या है वो भी बन है ठीक है फिर हम क्या कर सकते हैं बी वाली स्ट्रिंग उसकी भी एक अलग मैप में फ्रिक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं उनको चेक कर सकते हैं पर एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं राइट जैसे जैसे हम इस पर ट्रेवल्स करें तो जैसे इसमें टी आया तो हम ये चेक कर सकते हैं क्या एम में मतलब जो हमने ए के लिए हम ए के लिए एक मैप बना देंगे और बी के लिए उसी मैप में माइनस करते चलेंगे जैसे एम वाले में टी आया तो टी है तो उसकी फ्रिक्वेंसी एक माइनस हो गई ज़ीरो ए आया उसकी एक फ्रिक्वेंसी माइनस हो गई जीरो सी आया उसकी एक फ्रिक्वेंसी माइनस हो गई ज़ीरो ठीक है तो फिर फिर हम एक फाइनल लूप लगाएंगे एम के ऊपर और चेक करेंगे कि अगर किसी की भी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी या छोटी है तो फिर हम फोर्स रिटर्न कर देंगे वन नाट रू है क्योंकि सारी ज़ीरो हो जानी चाहिए राइट ये और ये तभी सेम होगी ना जब मतलब इन दोनों में सेम कैरेक्टर है तो इससे अगर हम फिर कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं और इससे डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो ज़ीरो ही होगी राइट अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा सी होता तो फिर यहाँ पर क्या होता फिर ये इस वाले प्लास्ट पर जाता फिर हम एक और माइनस करते और एक माइनस वन हो जाता राइट तो फिर या फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए होता वो यहाँ पे यही होता तो फिर क्या होता तो इसमें ए की वैल्यू पहले टू होती फिर इस ए पे आते तो वो वन करता और फिर वो वन रह जाती राइट तो मतलब ज़ीरो से बड़ी या छोटी है तो बस वही है कि तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे ठीक है बस बस यही है सिंपल सोल्यूशन सिंपल सा सोल्यूशन है इसका एकदम तो ठीक है इसको कोड करते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक अपना मैप बना लेते हैं ठीक है जो फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है ठीक है और अभी हम क्या करते हैं फॉर कैरेक्टर इन ए ठीक है ए स्ट्रिंग ए पे जा रहे हैं और हम चेक करेंगे इफ कैरेक्टर इन एम मतलब वो पहले से प्रेजेंट है तब तो हम क्या कर देंगे उस कैरेक्टर की काउंट बढ़ा देंगे और अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसकी काउंट वन सेट कर देंगे राइट क्योंकि पहली बार आएगा तो वन होगा ठीक है ये कर दिया अब हम क्या करेंगे फॉर कैरेक्टर इन बी और अभी हम बी में जाएंगे और हम चेक करेंगे इफ़ कैरेक्टर अगर कैरेक्टर इन एम मतलब कैरेक्टर इसके अंदर है राइट right? तो फिर हम क्या करेंगे हम क्या कर देंगे एम ऑफ कैरेक्टर की माइनस वन कर देंगे और एक और चीज़ हम यहीं पे देखो लाइट से कि यहाँ पे डी होता और या फिर सबसे पहले ही डी हो जाता तो फिर हम अब हम बाकी चाहे सेम हो मतलब सारे करेक्टर सेम हो या फिर नॉ पर एक जैसी दोनों में एक डिफरेंट कैरेक्टर आ गया तो हम ये चेक करें कि हम फ्रीक्वेंसी माइनस करें राइट right? पर ये वाला कैरेक्टर अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है दो तो, तो हमें पता है कि इक्वल हो ही नहीं सकते राइट एंड अगर हम हो ही नहीं सकते प्रेजेंट तो है ही नहीं तो हम एल्स कंडीशन में मतलब वो बी वाले का एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है मतलब ए वाले सारे हमने मैप में डाल दिए तो अगर बी वाला कोई नहीं है जैसे अगर है तो हमने माइनस वन कर दिया पर अगर नहीं है तो सीधा यहीं पर रिटर्न कर कर दो फोन्स एल्स हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे फोन्स ठीक है अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर क्यों ही आगे जाना है राइट और अभी हम फाइनल क्या करेंगे फॉर की कोमा वैल्यू इन एम डॉट आइटम्स मतलब अभी डिक्शनरी के जो अपना मैप है उसके ऊपर ट्रेवल्स कर रहे हैं और की और वैल्यू में आ जाएगी तो हमें वैल्यू चेक करनी है तो क्या है अगर वैल्यू अगर वैल्यू लेस देन ज़ीरो है या फिर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिटर्न तो कर दो फॉल्स ठीक है और वरना चलता रहेगा सबको चेक कर लेगा और बाहर आ जाएगा लूप से और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू तो इसको एक बार रन करते हैं ठीक है थीके? और या ये साइज गया इसको सबमिट कर देते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ठीक है हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया तो सबसे पहले हम ए वाली स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगा रहे हैं राइट तो वो हो गई हमारी बिग ऑफ जितनी भी ए की लेंथ है प्लस फिर हम फिर से बी के ऊपर भी लूप लगा रहे हैं बस वो माइनस कर रहे हो उसमें तो ठीक है पर बी के ऊपर बी वाली के ऊपर भी लगा रहे हैं। तो बी गो ऑफ बी मतलब ये ए और बी इसकी लेंथ मान लेते हैं ये लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी ठीक है ये और फिर हम एम के ऊपर भी मैप लगा रहे हैं ठीक है तो मतलब एम के ऊपर भी एक लूप लगा रहे हैं। तो एम की मतलब लेंथ ऑफ एम क्या होगी जितने यूनिक कैरेक्टर होंगे इन दोनों में राइट तो एम की लेंथ तो मतलब इन्हीं में यही मान सकते हैं कि अगर ए में सारे यूनिक है तो फिर ठीक है मतलब ए के तो टू ए हो जाएगी या फिर टू बी हो जाएगी राइट अगर दोनों इक्वल है मतलब जितने नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर है क्योंकि एम में तो वही स्टोर कर रहे राइट जिन नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर कितने होंगे सबसे देखो यहाँ पे देखिए सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स हैं तो लोअर केस कैरेक्टर कितने होते हैं मेरे पास ट्वेंटी सिक्स है तो ट्वेंटी सिक्स से ज़्यादा तो वो हो ही नहीं सकते ठीक है तो चाहे मतलब बहुत हज़ार लेंथ की स्ट्रिंग हो पर एम का साइज ट्वेंटी सिक्स को कभी एक्सेट करेगा नहीं तो इसको बिग ऑफ ए प्लस बी मान लेते हैं मतलब यही होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो अपना स्पेस हमारे एम का साइज क्या होगा एम का साइज़ मैक्सिमम ट्वेंटी सिक्स होगा तो हम बिग ऑफ एक तरह से हम यूनिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं या फिर बिग ऑफ ट्वेंटी सिक्स भी कह सकते हैं या फिर यही कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि सही है यही है ना कि बस ट्वेंटी सिक्स को तो एक्सिट कर ही नहीं रहा है इसका साइज़ क्योंकि हमें लोअर केस कैरेक्टर ही दे रखे और वो ट्वेंटी सिक्स होते हैं या सो ये बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था ये आर ट्राइड बाई यूअर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय हैप्पी कोडिंग